वैदिक यूनिवर्स एक्सपो जो कि आपके होश उड़ा देने वाली है। This exhibition will be in future. मैम कैसा लगा अंदर जाकर? अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे सेक्शन में। बिहार म्यूजियम आपको बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आने वाला है। G20 सदस्य देश के कलाकार। ये वाला मौका मिस मत करिएगा अगर आप पटना में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार म्यूजियम, क्योंकि बिहार म्यूजियम अगले 31 दिसंबर तक बहुत बदला हुआ दिखाई देगा आपको। 29 देशों की कलाकृतियां और संस्कृति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बिहार म्यूजियम बिनाले 2023 का आगाज हो चुका है, तो चलिए फिर यहाँ से अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या कुछ बदल चुका है। अगर भाई को अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप म्यूजियम के अंदर आते हैं तो आपको अलग अलग कंट्रीज के इस तरह के होर्डिंग और बैनर्स देखने को मिल जाते हैं, जो आपको बताते हैं कि बिहार म्यूजियम बिनाले 2023 में क्या कुछ देखने को मिला है, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आ रही है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, टुगेदर वी आर्ट इसका नाम रखा गया है, जो कि 7 अगस्त से शुरू हुआ है और 7 अक्टूबर तक चलना है। वैसे तो प्रोग्राम 31 दिसंबर तक चलेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर बिहार म्यूजियम में जैसे ही एंट्री गेट पर पहुँचे तो यहाँ पर मटर गश्तिन मिल गए। से हाय। हेलो, कैसा लग रही है एग्जीबिशन जो लगा अभी? बहुत मजा आ रहा है, और बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस भी कल था। बिल्कुल, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जैसे ही अंदर आएँ तो सबसे पहले इस म्यूजियम शॉप के अंदर आएँ, जहाँ पर आप बिहार से जुड़ी हुई बहुत सारी कलाकृतियों को, आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसको आप परचेज कर सकते हो और परचेज करके अपने साथ यादों के तौर पे ले जा सकते हो। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। गाइस, हम लोग पहले म्यूजियम में आए, उसके बाद फिर म्यूजियम शॉप गए, और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगी है, वैदिक यूनिवर्स एक्सपो, जो कि आपके होश उड़ा देने वाली है। अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ चल रही है। This exhibition will be in future, maybe in will be in November in Delhi. It's a big exhibition, many full dome like this and many more large full dome cinema. मैम कैसा लगा अंदर जाकर? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, हम लोग तो पहले भी आए थे, ये नया स्टार्ट हुआ है। मैडम, वेरी ग्लैड कि मैं आपसे मिली, आपकी सारी वीडियो देखती हूँ। नाइस टू मीट यू, माय प्लेजर। और मैं हमेशा सोचती थी मैं कहीं जाऊँगी तो जरूर मिलूंगी। श्योर, और मैं वहाँ पे ऐसे ही आपको पहचान गई। थैंक यू। ये तो अपना वही पुराना वाला सेक्शन है जहाँ पर आप आते थे और म्यूजियम में घूमते थे, लेकिन मैंने सोचा कि जब यहाँ पर आए तो क्यों ना थोड़ा सा इस प्लेस को भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। पहले म्यूजियम शॉप और उसके बाद फिर वैदिक यूनिवर्स वाला देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे सेक्शन में। देखते हैं कि उसमें क्या कुछ खास है। सुन रहा हूँ कि नेपाल और बाकी और भी दूसरे कंट्रीज़ की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इन दिनों बिहार म्यूजियम आपको बिल्कुल ही बदला हुआ नज़र आने वाला है। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन पेंटिंग वाले सेक्शन में, जहाँ पर डिफरेंट आर्टिस्ट की पेंटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। तो यहाँ से अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर कैसा कुछ है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एक एक करके नई नई यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और वो भी बिहार म्यूजियम बिनाले 2023 के अंदर। हेलो,
हेलो, कैसा लग रहा है यहाँ पे अंदर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, पहली बार आए हैं यहाँ पे, आपसे भी मुलाकात होगी, हम तो पहचान लिए थे लेकिन डाउट लग रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ये बताइए कि जो बिनाले 2023 हो रहा है, ये कैसा है? ये काफ़ी सुंदर है सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब चीज़ें नॉर्मल होती हैं रोज़ की तरह तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जैसी जिस चीज़ें बदल जाती हैं तब समझ में आता है कोई चीज़ कितनी ज़्यादा खास हो गई है। जब से ये बिनाला शुरू हुआ है, यानी कि 7th August से, तब से यहाँ का जो है ना रौनक ही अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन से देश के कौन कौन सी कलाकृतियाँ हमें देखने को मिल जाएंगी जो पहले शायद हमें देखने को नहीं मिलती थी। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है इस तरह की चीज़ों को होना, ताकि हम लोग भी समझ पाएँ। और एक चीज़ और भी है कि दूसरे को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब यहाँ पर आएँ तो सिर्फ उसको देखें नहीं, उसके बारे में जाने भी, समझे भी, और फिर देखें कि क्या चीज़ है, किस तरह से हो रहा है। तो अभी यहाँ से दूसरा सेक्शन शुरू होने जा रहा है, दूसरे सेक्शन में हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उधर क्या कुछ एग्जीबिशन में लगाया गया है आपके लिए। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, कल्चर ट्रैक G20, इसमें क्या आप देख सकते हैं G20 सदस्य देश के कलाकार, इसके बाद जो अतिथि देश के कलाकार और भारत के कलाकार, इन सभी चीज़ों के, इन सभी लोगों ने जो मिलकर के ये चीज़ें बनाई है ना, उसका एग्जीबिशन यहाँ पर किया गया है। इससे पहले जो आप लोग देख रहे थे ना, वहाँ पे कई देशों के कलाकारों ने मिल करके अपनी अपनी कलाकृतियाँ और अपने संस्कृति को लोगों के सामने रखा था, रिप्रेजेंट किया था उस वाला एग्जीबिशन में। और मेरे पीछे जो एग्जीबिशन है ये है नेपाल बेस्ड, स्पेशली नेपाल का। अगर आप आते हैं बिहार म्यूज़ियम में तो बहुत सारे चीज़ें, जैसे G20 के तहत जो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन यहाँ पर लगा हुआ है, ना कि नेशनल है। और इंटरनेशनल में आप सामने आप देख रहे हैं तो ये नेपाल का है, ये पूरा कॉरिडोर नेपाल का आर्ट से बना हुआ है, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। जो एंट्री पैसा जो लगेगा टिकट में, उसी चार्ज पे सब कुछ देखने को मिलेगा। तो एज यू सी, जैसा कि आपने देखा अभी फ़िलहाल, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वैसे ये 7 अगस्त से शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर तक G20 के तहत इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होने हैं, बहुत सारे एग्जीबिशन लगाए जाने हैं। तो आप ये वाला मौका मिस मत करिएगा अगर आप पटना में हैं, तो क्योंकि पटना में ऐसी चीज़ें बहुत बहुत कम बार देखने को मिलती हैं। तो जब हमारे पास इस तरह का मौका है तो हमें ज़रूर विज़िट करना चाहिए, यहाँ पर आकर के देखना चाहिए और देख करके इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। तो नॉर्मल फेयर है जो आपका म्यूज़ियम में आने का फेयर लगता है, और उसी में आकर के आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चलिए फिर यही दिखाना था आपको, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।